विधानसभा चुनाव के लिए सपा से खजनी विधानसभा से प्रत्याशी रूपावती बेलदार और बसवा से चिल्लूपार विधानसभा से प्रत्याशी राजेंद्र सिंह उर्फ पहलवान सिंह सहित अन्य दल के प्रत्याशियों ने नामांकन किया, जिसके संबंध में बसपा से चिल्लूपार विधानसभा के प्रत्याशी राजेंद्र सिंह उर्फ पहलवान सिंह ने बताया कि चुनाव जीतने पर जनता को मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराना ही पहली प्राथमिकता होगी, क्योंकि वहां के लोग हमेशा बाढ़ से पीड़ित रहते हैं, जिसके लिए वहां पर बंधा बनवाया जाएगा जिससे कि चिल्लूपार में बाढ़ ना आ सके और सरयू और राप्ती के कटान को रोकने के लिए प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा 2022 में बसपा की सरकार बनेगी और कुमारी बहन मायावती 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगी। वहीं इस संबंध में सपा से खजनी विधानसभा की प्रत्याशी रूपावती बेलदार ने बताया कि खजनी विधानसभा से चुनाव जीतने पर गरीब व्यक्तियों को पूरा ध्यान दिया जाएगा और साथ ही सभी नागरिकों को मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा खजनी विधानसभा में जो विकास अभी तक बाकी है उसको पूरा किया जाएगा। इस अवसर पर सपा जिलाध्यक्ष अवधेश यादव सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सपा की खजनी विधानसभा के प्रत्याशी रूपावती बेलदार और बसपा के चिल्लूपार विधानसभा के प्रत्याशी राजेंद्र सिंह उर्फ पहलवान सिंह ने कहा क्या प्रतिनिधित्व रहेंगे आपके चुनाव लड़ने? मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूँ। खजनी विधानसभा में मैं जीत के जाऊंगी तो अपने जो गरीब लोगों के हैं लोग हैं उनको मैं ध्यान रखूंगी। जो नौजवान साथी हैं रोजी रोजगार नौकरी मैं दिलाने का काम करूंगी और क्षेत्र का विकास करूंगी। लोगों को देख रेख में मैं सेवा करूंगी। जो खजनी विधानसभा में विकास नहीं हुआ है भारतीय जनता पार्टी जो विकास नहीं की है वो मैं करूंगी। नामांकन के किस विधानसभा किए हैं और क्या प्रमुखता रहेंगी आपके चुनाव में? विधानसभा चिल्लूपार 328 से नामांकन आज हुआ और जनता की जो मूल आवश्यकताएं हैं क्षेत्र की वो हमारी प्राथमिकता पर रहेगा। तो क्या क्या रहेंगी चिल्लूपार के लिए जनता के लिए? चिल्लूपार जनता के लिए पहले कछार बेल्ट में हमेशा बाढ़ आती है, वो कछार बेल्ट से बाढ़ प्रवेश न कर पाए कछार बेल्ट में। पहला वरीयता हमारी है कि वहाँ बंधा बनवा करके गांव को सुरक्षित कर लें। दूसरा सरजू और राप्ती नगर के संगम है किनारा है, हमेशा गांव की कटान होती है, उस गांव को सेव करने के लिए वो जितना हो पाएगा उतना किया जाएगा। अब हमारी लड़ाई तो किसी से नहीं है, चिल्लू पर की महान जनता। क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार बनेगी? अब सरकार जो रुझाने आ रही हैं त्रिकोणात्मक लड़ाई पूरे प्रदेश में है, ऐसी स्थिति में तो हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में 5वीं बार मुख्यमंत्री बहन जी मुख्यमंत्री का शपथ लें 10 तारीख के बाद।